आर्या, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एसडीएम वेज फूडीज। आज हम बनाएंगे काबली चने का अचार। यह अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और यह बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी, काबली चने के अचार को बनाना। चने का अचार बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप भीगा हुआ काबली चना। इसे हमने 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। तो अचार बनाने के लिए हमने ये जो चना लिया है, अभी इसको हमने पानी से निकाला है, तो इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कपड़े पर थोड़ा सा फैला देंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा सूख जाए। जब तक हमारे चने सूख रहे हैं, तब तक हम हमारे अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। अचार का मसाला तैयार करने के लिए हमने एक पैन लिया है और इसको हमने गर्म रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून काली राई या सरसों, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून काली मिर्च। इन सभी को हमें रोस्ट कर लेना है। इन्हें सिर्फ हमें हल्का ही रोस्ट करना है, ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। हमें इन्हें बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। ये देखिए, हमने हमारे खड़े मसाले जो थे, इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। अब हम हमारे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हमने हमारे मसालों को एक चौड़ी प्लेट में निकाल लिया है, जिससे कि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। और ये लिए हमने 2 टेबल स्पून पीली राई की दाल। इसे हम गैस ऑफ करने के बाद, ये जो हमारा पैन है ये हल्का सा गर्म है, तो इसी में हम इसको भी रोस्ट कर लेंगे। हमारे ये जो खड़े मसाले हैं, ये भी ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने हमारे मसालों को ग्राइंड कर लिया है। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इन मसालों को हमें दरदरा ही पीसना है। ये जो हमारे चने हैं, इनका पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप किसा हुआ कच्चा आम। इसमें हम ऐड करेंगे हमारे खड़े मसाले, जिनको कि हमने ग्राइंड कर लिया है। ये राई की दाल, और ये लिए हमने 4 से 5 हरी मिर्च, जिन्हें हमने लंबाई में काट लिया है। इनको भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 3 से 4 टीस्पून नमक, और ये लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारे अचार का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। इन सभी को अब हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा सरसों का तेल। इस तेल को आप गर्म करके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं इसे कच्चा ही मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो सरसों के तेल का टेस्ट है वो इस अचार में कच्चेपन के साथ बहुत अच्छा आता है। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं, तो आप अपनी पसंद के किसी दूसरे ऑयल का भी इसमें यूज कर सकते हैं। और ये लिया है हमने 1 टेबल स्पून विनेगर, इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं।
विनेगर डालने से हमारे जो अचार है इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। ये हमारा अचार चने का और कच्चे आम का बनकर तैयार है। इस अचार में 2 से 3 दिन के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें नमक थोड़ा कम है तो आप इसमें 1 से 1.5 टीस्पून नमक और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे अचार में नमक की मात्रा कम होती है तो भी हमारा अचार खराब हो सकता है। तो इस अचार को 2.5 से 3 महीने तक फ्रिज में रखकर आसानी से खाया जा सकता है। तो तैयार है हमारा काबुली चने और केरी का अचार। ये जो हमारा अचार है इसको हम 1 दिन तक ऐसे ही रहने देंगे और अगले दिन ये अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अचार को हम 1 से 2 दिन के बाद किसी कांच के या प्लास्टिक के जार में अच्छी तरह से उसे साफ करके उसमें भर के और फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं।